आदाब, प्राइम पोस्ट के शुमारे में आपका खैर मकदम करते हैं। आज अनंत मैरिज स्कीम एक जो है पास हो गई, सिख कम्युनिटी जो है उसके लिए खुशी की लहर मच गई। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 ए की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एक्ट थे जो पूरे हिंदुस्तान में लागू थे और यहाँ हम उनका इंतजार कर रहे थे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र साहब हैं, जो ऑफिस इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपका बहुत खैर मकदम करते हैं सर। इस बारे में हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, इस अनंत मैरिज स्कीम एक्ट के बारे में बात करें। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी को, सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो ये अनंत मैरिज एक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अपना अमित शाह जी की ओर से, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी की ओर से ये जो लागू किया गया है, हम सबको खासकर सिख कम्युनिटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये जो डिमांड थी, ये काफ़ी पहले से लगभग 70 साल से हमें ये डिमांड हमने रखी हुई थी। आर्टिकल 370 और 35 ए की वजह से ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहा था। जैसे ही 370 और 35 ए यहाँ से हटा, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये प्रपोजल रखा है अपना अमित शाह की होम मिनिस्ट्री में, तो अमित शाह जी ने इसको तुरंत लागू किया है और ये कल इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। सर, इस स्कीम के बारे में हमें कुछ बताइए, ये है क्या स्कीम, इसमें क्या क्या हमारी बच्चियों का फायदा हो सकता है, स्कीम के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन आप हमें दीजिए। दरअसल ये स्कीम नहीं है, ये हमारा एक एक्ट है जी, क्योंकि जो हमारी शादियां होती थी हिंदू एक्ट में आती थी जी, अब हिंदू एक्ट को थोड़ा सा हमने इनको अलग कर दिया है। अब हमारा अपना एक्ट है जो अनंत मैरिज एक्ट है, यहाँ पे लागू होता है जी। पहले जो हमारी शादियां होती थी हिंदू लॉ में आती थी जी जी, तो अब हमें हिंदू लॉ की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब हम अपना हमारा एक्ट बन गया है अनंत मैरिज एक्ट, इसी के तौर पे हम जो शादियां होंगी इसी एक्ट के तहत होंगी। आप सर, इसके अलावा, इस एक्ट के अलावा आगे चल के हमें कोई और एक्ट देखने को मिलेगा जिससे हमारे माइनॉरिटीज जो हैं, चाहे हिंदू हों या सिख बरादरी के लोग हों, उनको कुछ फायदा मिल सकता है? अनंत मैरिज एक्ट जो है ये खाली सिखों के लिए है जी। मैं बाकी एक्ट की बात कर रही हूँ कि कुछ और प्रपोजल्स ऐसे हैं जो आगे हमें देखने को मिलेंगे। हमने और भी डिमांड रखी है अमित शाह जी को, अपना ये भाई मोदी जी को भी, हमने बहुत सारी स्कीम्स रखी हैं, जैसे कि मराठी स्टेटस है हमारा जी, और कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि वो भी हमने प्रपोजल रखा हुआ है जी। हमें उम्मीद है कि जैसे अनंत मैरिज एक्ट पास हुआ है, हमें ये भी उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारे जो दो मुद्दे हैं इन पे भी गौर करेंगे और ये भी जल्दी लागू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बात कर रहे थे शैलेंद्र जी, जो कि ऑफिस इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमें दीजिए इजाजत, बाकी न्यूज के साथ आप हमारे से जुड़े रहिए। मैं मी सबीन गुडरेस अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्राइम पोस्ट के लिए।